बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस क्रम में अब युवक कांग्रेस ने अनोखे तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। युवक कांग्रेस ने पेट्रोल भरवाने के लिए सांकेतिक रूप से नॉन रिफंडेबल लोन के लिए लोगों को दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हेवरन सिंह कंसाना ने सोमवार को चेतकपुरी पेट्रोल पंप एक नॉन रिफंडेबल लोन स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेसियों ने स्टॉल पर लोगों के आवेदन भरवाए और सांकेतिक रूप से उन्हें नकदी देकर नॉन रिफंडेबल लोन उपलब्ध कराया। आपको मालूम ही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में आर्थिक पूरी तरह टूट चुका है, वहीं सरकार लगातार जो है दाम बढ़ाती जा रही है पेट्रोल डीजल पर और गैस सिलेंडर पर। तो आज ये कार्यक्रम के द्वारा हम आगाह कर रहे हैं कि जागो, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इसको जगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह लोन देखिए, लगातार इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तमाम सारी महंगाई हमारे देश के अंदर चरम पर है। आज ग्वालियर यूथ कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी केदार भाई साहब जिस कार्यकारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, महिला कांग्रेस, हमने एक प्रदर्शन किया। जो बेरोजगार युवा हैं जिनके पास पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं है, इनको लोन देने का काम किया है ताकि जो लोग नॉन रिफंडेबल लोन है, कोई इनको रिफंड नहीं करना, इनको पेट्रोल डीजल के लिए यूथ कांग्रेस ने यह कार्यक्रम रखा है। हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं।